आज मोविन मलिक सर ने सीमा हैदर की धज्जियां उड़ा दी। धज्जिया यूं उड़ा दी कि एक औरत का जो होता ना इज्जत होता, फिलहाल सीमा हैदर का कोई इज्जत तो है नहीं। जो चीज वो करके आई है एक महिला के लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक भी है। जो सीमा हैदर करके आई वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। यहाँ पे आज मोविन मलिक सर ने कुछ उसकी वीडियो पब्लिक की है, यानी कि फोन से अपनी लाइव में पब्लिक की है, दिखाई है पब्लिक को, जो किसी दूसरे पुरुष के साथ है। कुछ दिन पहले उसकी ऑडियो, उसकी आवाज, उससे रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था, उससे बात की हुई रिकॉर्डिंग उसकी परमिशन से। लेकिन आज उस व्यक्ति की पर्सनल फोटो जो सीमा हैदर और उसके बच्चों के साथ है वो मोविन मलिक सर ने लाइव में पब्लिक कर दी है। और लाइव में पब्लिक की है, इसके साथ ही बहुत सारे सवाल खड़े हो गए वकालत पर, मोविन मलिक सर पर, और तमाम उनको लोग कहने लग गए कि मोविन मलिक सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक वकील है, वकील को ये सब शोभा नहीं देता है, उन्हें अपनी कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़नी चाहिए, उनको प्रूफ करना चाहिए कोर्ट में, उनको सोशल मीडिया में इस तरीके के वाक्या नहीं करने चाहिए थे। आप कहां तक सहमत है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, मैं अपनी राय दूंगी कि मैं इसमें कहां तक सहमत हूं कहां तक नहीं हूं। जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सीमा हैदर इंडिया से जाए और गुलाम हैदर को बच्चे मिले, कहीं ना कहीं गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने देश के प्रति वफादार हैं और उनको लग रहा है कि सीमा हैदर कुछ गलत करने आई है भारत में और वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब ना हो, यही एक रीजन है। वो लगातार गुलाम हैदर के लिए आवाज उठा रहे हैं, गुलाम हैदर के बच्चों की आवाज बने हुए हैं, सीमा हैदर के विरोध में खड़े हुए हैं। और आज मैं कुछ लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इंडिया और पाकिस्तान के लोगों से, कि अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सच और हक की लड़ाई के साथ दो मुल्कों का मैटर है, दो देश की जो सीमाएं हैं, जो सरहद है वो पार करके यहाँ आई है, और भारत की सिक्योरिटी की सुरक्षा का सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो आज आपकी राय बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई जहाँ आपने, कई लोगों ने सवाल खड़े करे हैं कि मोविन मलिक को इस तरीके के बयान, यहाँ पे सीमा हैदर की जो वीडियोज है पर्सनल, किसी दूसरे मर्द के साथ वो पब्लिक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक महिला है और किसी महिला का चरित्र इस तरीके से दिखाना गलत है। तो आपको एक बात बता दूं, क्या आप में से किसी ने भी सीमा हैदर से सवाल किया? जिस तरीके से वो हमारे भारत के एक वकील हैं, जो मोविन मलिक सर जो गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं, वो आप ये मैसेज सीमा हैदर तक पहुंचा सको कि भाई आप उसके खिलाफ मत जाओ, आप भारत के वकील के खिलाफ मत जाओ, क्योंकि आप इनलीगल घुसी हो, आपको राइट नहीं बनता है भारत के किसी भी, किसी आम व्यक्ति पर भी सवाल खड़ा करो, आपने तो सीधे कानून पे डायरेक्ट सवाल खड़ा कर दिया। और रही बात मोविन मलिक सर की, मोविन मलिक सर ने दो कई बार सीमा हैदर को वार्न किया था, कई बार उन्होंने बोला था मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर मैं चाहूँ तो आपकी दे सकता हूँ, लेकिन आप मत मजबूर करिए, आप इस तरीके से मत करिए। चाहे कितने ही बड़े हैं मोविन मलिक सर, अगर उनके इज्जत पर बात आती है, उनके पैसे पे बात आती है, तो जवाब देना लाजमी बनता है। कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले वो इंसान है, उसके बाद वो पैसे से जुड़ता है। अगर सीमा हैदर किसी पे पर्सनल अटैक करती है और इस हद तक करती है कि कानूनी दाव पेच वो खुद बोलती, जबकि खुद वकील नहीं है, जिस भाई के कहने पे करती है, क्या उसे पता है दायरा? और क्या वो भाई खुद नहीं आ सकता? क्यों फिर सीमा हैदर को यूज किया जा रहा है? क्यों सीमा हैदर के चैनल के माध्यम से सीमा हैदर को यूज करके ये चीजें डाली जा रही है? और जिस तरीके से मोविन मलिक सर ने उस व्यक्ति के साथ सीमा हैदर की वीडियोज पब्लिक की है, कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक, बहुत इसकी जो इसका जो कैरेक्टर है वो खोलता है कि किस तरीके की महिला है, इसने कितनों का घर बर्बाद किया है, कितनों की जिंदगियां बर्बाद की। मैं जानती हूँ कुछ लोग मुझे गालियां देने आएंगे, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि आपकी गालियों का जवाब गालियों से दूं, और मैं हमेशा एक ही चीज यहाँ पे बोलती हूँ, अगर हम सोशल मीडिया पे आए सबसे पहले हम अपने मुल्क से प्यार करते, अपने देश से प्यार करते, अपने देश के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करे इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। रही दूसरी बात, गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी है, उसने भारत की बहन बेटियों से, भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है। कुछ लोगों का कहना है क्या गुलाम हैदर ने पहले गालियां भी दी थी? जाहिर सी बात है दी है, एक पत्नी ने वो हद पार करने पे मजबूर किया तो गुलाम हैदर ने वो भी किया है, इसमें कहीं से कहीं तक दुराहा नहीं है, हम साक्ष्य हैं। अगर कोई बीवी अपने पति के साथ इतना धोखाधड़ी करे, दूसरे मुल्क फरार हो जाए, उसके बाद वो चैलेंज करे, उसे उकसाए भड़काए, कोई भी खुददार पति या कोई भी कैसा ही पति हो, वो जवाब जरूर देगा। इसके लिए भी सीमा हैदर जिम्मेदार बनती है। सीमा हैदर साइको टाइप की है, वो बीड़ी सिगरेट नशा सारी नशे करती है, और उसके बाद वो अपने हाथ को जलाती, दूसरे को जला देती, तमाम वो चीजें कर चुकी है। क्या आप में से किसी ने उससे सवाल किया
कि भाई आप भारत के अंदर हो, आप बेल पर हो, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं करनी है और जिसके बिना पर आपको बेल मिली है। लेकिन लगातार वो कानून को तोड़ रही है, लगातार वो कानून के खिलाफ जा रही है और उसके बाद उम्मीद करते हैं लोग कि मोबिन मलिक सर ने गलत किया। मेरी नजर में, मैं अपनी राय देती हूँ, मोबिन मलिक सर ने बहुत बार वार्निंग दी थी सीमा हैदर को। उन्होंने बोला था आप मुझे हद पार करने पे मजबूर मत कीजिए, अगर आप पर्सनल अटैक करेंगी तो आपके साथ भी वही चीजें होंगी जो हम कर सकते हैं। अभी भी ये तो ट्रेलर है जो मोबिन मलिक सर ने दिखाए, बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं, अगर सोशल मीडिया पर डाल दी जाए शायद लप्पू का परिवार इसे लात मार कर बाहर कर देगा। इस तरीके की अश्लील वीडियोज और बहुत सारी चीजें मोबिन मलिक सर के पास है, और अगर सीमा हैदर दोबारा अटैक करती है जाहिर सी बात है वो चीजें भी सोशल मीडिया पे आनी है। यहाँ पे गुलाम हैदर भाई से कहूंगी आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, कई पाकिस्तान के लोग भी नाराज हैं इससे और कई हिंदुस्तान के भी। और मैं आपको बता दूं मोबिन मलिक सर वकील के साथ साथ एक इंसान भी है और बहुत अच्छे इंसान है वो। आपने जैसे कि देखा होगा उनकी लाइव में बजरंगी भाईजान उन्हें बोलते तो उनकी मूर्ति भी उनके केबिन पे लगी है, जबकि मोबिन मलिक सर खुद एक मोमडन पर्सन है, वो भारत में है, भारत के लिए बहुत सारे ऐसे केसेस उन्होंने लड़े हैं जो मुल्क को देशों को एक करते हैं और इंसानियत का परिचय देते हैं। तो इसके बावजूद एक इनलीगल घुसपैठी महिला ने वो दायरा पार किया, और कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग ऐसी इनलीगल महिला को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। मोबिन मलिक सर ने उसकी वीडियो पब्लिक करी तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुआ, तो बहुत सारे लोग ये भी प्रयास कर सकते थे ना कि आप भारत के कानून के खिलाफ मत जाओ। आप कोर्ट, जाहिर सी बात है जो लोग कह रहे हैं कि मोबिन मलिक को कोर्ट में केस लड़ना चाहिए था, सोशल मीडिया पे क्या जरूरत था, तो फिर सीमा हैदर को सोशल मीडिया पे सब करने की इजाजत किसने दी। भाई ये हमारा देश है, मोबिन मलिक सर हमारे देश के व्यक्ति हैं और सीमा हैदर इनलीगल घुसकर आई है। हम कभी भी नहीं चाहते हमारे देश के किसी भी छोटे या बड़े या पद में रहे हुए व्यक्ति को वो चैलेंज करे। सीमा हैदर ने लगातार चैलेंज करा, कई बार वॉर्न करने के बाद भी वो नहीं मानी, उसके बाद आज थक हार कर मोबिन मलिक सर ने उसकी वीडियोज पब्लिक की है। कहीं ना कहीं ये महिला का बहुत बड़ा राज है और बहुत कुछ ये करने आई है, और ये क्या करने आई है अभी तक किसी को पता नहीं है। कुछ लोग आते हैं इसके नाम से गालियां देते, भाई आप हमारे भारतवर्ष के हो, अगर आप इससे किसी स्वार्थ से जुड़े हो तो मुझे समझ में नहीं आता आपका ऐसा कौन सा स्वार्थ है जो अपने देश, अपने मुल्क, अपने इंसानियत से बढ़कर है। आज ये सीमा हैदर जो करवाने आई थी ये कर रही है, ये हमारे देश में फूट डाल रही है, लड़ाई झगड़े करवा रही है, तमाम चीजें कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि चैनल चलाने के लिए सब चीज करना पड़ता है, अगर चैनल चलाने के लिए किसी की पर्सनल चीजों को या पर्सनल उसे इतना परेशान किया जाए तो भाई आपका चैनल क्या इतना जरूरी है, आपका कमाना क्या इतना जरूरी है, आप दूसरे तरीके से भी कमा सकते हो ना। जिस तरीके से महिला लगातार इनलीगल घुसने के बाद लगातार जो दबंगई से ये गुंडागर्दी करते हुए यहाँ पे हड़कंप मचा रही है, लगातार कानूनी मुद्दों को मोबिन मलिक सर के खिलाफ बोल रही, क्योंकि वो एक असहाय मजबूर गुलाम हैदर का केस लड़े है। एक यही कारण है कि उसका केस मोबिन मलिक सर छोड़ दें और वहां से रफू चक्कर हो जाए और इसके नीचे झुक जाए, इसका एक ही रीजन है। और जैसे कि साइको टाइप की महिला शुरू से लोगों को बेवकूफ पागल बनाती आई है, ब्लैकमेल करती आई है, लोगों के साथ गलत करती आई है, जैसे कि मुझसे शादी नहीं करी तो मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, फिलहाल ये जिस तरीके से यहाँ पे धमकियां देती है, भारत से अगर मैं गई तो मेरी लाश जाएगी, जिस तरीके से बोलती है, एक तरीके से चैलेंज करती है भारत को, एक तरह से धमकी देती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, इसका मकसद है कि भारत के लोगों को पिघलाना। अगर मैं इस तरीके की चीज कहूँ कि मुझे यहाँ से निकाला गया पाकिस्तान मार देगा, और भारत के लोग इमोशनल ब्लैकमेल हो जाएंगे और मुझे यहाँ रुकने पे मजबूर कर देंगे और मेरे लिए आवाज उठाएंगे। फिलहाल सब लोग भारत देश से प्यार करते हैं, जो लोग जानते हैं, जो समझदार है, जिनको पता है कि ये गलत कर रही है, हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए खतरा है, तो कभी भी इसे सपोर्ट नहीं करेंगे और इसके विरोध में ही खड़े होंगे। आज सिचुएशन यह है कि भारत के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। क्यों भाई, जब आप मोबिन मलिक सर के लिए आवाज उठा सकते कि उन्होंने गलत किया सीमा हैदर की वीडियो पब्लिक करके, तो आप ये मैसेज सीमा हैदर को नहीं दे सकते कि भारत की पब्लिक को सड़कों पर उतरने पर मजबूर मत करो। जिस दिन भारत की पब्लिक सड़कों पर उतर गई तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर इस तरीके की साइको लड़ी है, इसको पता नहीं है ये क्या यहाँ पे करेगी, कौन सा इसका मकसद है। ये खुद एक इस तरीके के चक्रव्यूह में फंस चुकी है, चारों तरफ से कानूनी घेरे में कस चुकी है, लेकिन ये हार मानने को तैयार नहीं है।
अब कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रेशर में करती, इसको यूज किया जा रहा है, तो आप इसकी हरकतें देखिए ना, इसकी हरकतों से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसको यूज किया जा रहा है। पहले मुझे भी यही लगता था कि शायद ये असहाय मजबूर इससे करवाया जा रहा है, लेकिन अगर इससे करवाया जा रहा है ना अब, तो अब मैं कहूंगी अब इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इसके भाई जी हैं, हो सकता है उन्होंने शुरू शुरू में फायदे के लिए करा, लेकिन अब वो पूरी तरह वो भी फंस चुके हैं। ये अपने चैनल के माध्यम से सारी चीजें कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये पूरी तरीके से फंस चुकी है। और इसके जो भाई जी है वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पूरी तरीके से सीमा हैदर शिकंजे में आ गई। क्योंकि मैं कानून से जुड़ी हूँ और कानून प्रशासन जो है मुझे अच्छी तरीके से इस पता है कब क्या होता है, तो मैं अच्छी तरीके से जान सकती हूँ। जो व्यक्ति बेल में छूटा होता है, अगर उस पर लगातार वो उन चीजों को तोड़ता है, बेल पे छूटे हुए अपने नियमों को तोड़ता है, 100% नेक्स्ट टाइम वो जब भी गिरफ्तार होगी या उसकी बेल कैंसिल होगी तो उसकी कोई भी बेल मंजूर नहीं हो सकती। ये चीज सीमा हैदर की उसमें लिखी गई है और उसे वॉर्न भी किया गया है, उसके बावजूद ये लगातार कानून तोड़ी है। तो क्या हो सकता है? जो लोग कह रहे हैं भारत का हाथ है, सरकार का हाथ है, तो आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मामला जब कोर्ट में चला जाता तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। डे वन से एक ही चीज कह रही हूँ, मैं पहले इस मैटर में नहीं थी जब गुलाम हैदर ने भारत के लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करा, गुहार लगाई कि मुझे मेरे बच्चे लौटाए, मुझे भारत पर भरोसा है। उस दिन से मैंने आवाज उठाई है और उस दिन से लगातार इस मैटर पे मैं आवाज उठा रही हूँ। जो लोग आक्रामक हो रहे, गुस्सा कर रहे, गाली गलौज कर रहे, तो आप लोग उसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अच्छी तरीके से अपनी बात को रखिए, अपनी आवाज को बुलंद रखिए। और सीमा हैदर, मुझे पता तुम मेरा वीडियो देखती हो, तो तुमसे भी एक वार्निंग है, क्योंकि तुम हमारे भारत देश में हमारे देश को भड़काने का काम ना करो। हमारे देश में जो गलत मैसेज दे रही हो, गलत कर रही हो, तुम्हें लोग भगौड़ी कर कह रहे हैं, क्योंकि तुम भागी हो भाई, तुमने इतनी जगह भागी हो और तुम्हारी सारी चीजें खुलकर पोल पट्टी सामने आ रही है, तुम ही ने मजबूर किया है, अब तुम ही चैलेंज कर रही हो, तो तुम्हारा क्या हसर होगा? उस चीज को सोच लेना जरा। बकाया क्या कहूँ, तुम्हें समझ तो है नहीं जो तुम्हें समझाए, तो दोस्तों इसको समझाने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये कल को फिर खुला चैलेंज दे देगी। इसकी हद खत्म हो चुकी है, तो उसको कहना बेकार है। तो सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, शांति व्यवस्था बनाए रखें, हमें अपने मुल्क, अपने देश, अपने कानून पर पूरा भरोसा है। कोर्ट में चीजें जा चुकी है, हम तो केवल यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं ना, कोर्ट पे सारी चीजें जा चुकी है, कोर्ट से सारे डिसीजन होंगे। लेकिन जब तक गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिलते, जब तक सीमा हैदर रिपोर्ट नहीं होती या इसको सजा नहीं मिलती, हम लोग अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से धन्यवाद आपका। अपना प्यार बनाए रखिए, सामाजिक मुद्दे लेके आती हूँ और हमेशा लाऊंगी, और ये मेरे समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। आप सबके प्यार की जरूरत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।